हेलो फ्रेंड्स वेलकम माई सेल्फ गौरव राजवाडे एंड मैं आपका स्वागत कराऊँ हमारे क्लासेस में दैट इज 21 वन बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था रोटेशनल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा समझ के लिया था आज के लेक्चर में हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्री इंपॉर्टेंट प्रूफ्स करेंगे एंड चौथा प्रूफ है वो ना कॉम्पिटिटिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उसका प्रूफ नहीं आएगा बट उसका प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल बेस ऑन दैट कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें देखना है देखो दिस इज वॉट रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी हमें पता है क्या होती है देखो कोई भी बॉडी होगी ए एंड बी दीज आर टू पार्टिकल्स after applying external unbalanced force if distance between these two particles remains constant then we can call this body as rigid body agar ye do hota तो यहां पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करता तो शेप चेंज हो जाता था अरे रोटी बनाते समय डो बनाते हैं ना तो अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया होता तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल चेंज हो जाता था सो डो इज नॉट ए रिजिड बॉडी सो वी आर डीलिंग विथ ओनली देखो ये जो भी रोटेशनल मोशन का फिनामिना है हम डील करेंगे सिर्फ एंड सिर्फ रिजिड बॉडी के साथ इज दैट क्लियर टू यू सो रिजिड बॉडी समझ में आ चुका है मेरे हर एक बच्चे को सो so, देखो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी का अब इसके लिए शॉर्टकट क्या है तो देखो विक्स वी एंड के को दिमाग में फिट करना है मतलब क्या मैं बताता हूं देखो 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 हमारा जो भी प्रूफ होगा उसकी इनिशियल स्टेप क्या होगी वी वी मतलब क्या वेलोसिटी फाइंड करना है अभी कोई भी प्रूफ हो रोटेशनल मोशन का वो वाया क्या जाएगा वाया सर्क्यूलर मोशन जाएगा मतलब क्या मैं बताता हूं देखो डायग्राम देखो दिस इज वॉट एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस इज वॉट रिजिड बॉडी एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये पूरा बॉडी इस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है सो so, अगर मैं बॉडी को देखूंगा तो वॉट वी कैन टॉक दिस बॉडी इज रोटेटिंग बट इफ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्टिकुलर पॉइंट देन वो पॉइंट क्या होगा सर्क्यूलर मोशन में होगा इज दैट क्लियर टू यू मतलब मैं अगर उस पॉइंट का एनालिसिस करूं तो वो सर्क्यूलर मोशन के सारे सारे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होंगे इस पॉइंट के लिए येस और नो क्लास सो देखो 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 क्लास सो फर्स्ट स्टेप इज मैंने क्या बोल दिया दिस इज वॉट रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रिट पार्टिकल्स एम वन एम टू डॉट 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 एम एन जिनका मास है एम वन एम टू डॉट 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 एम एन एन पार्टिकल्स है एंड सिचुएटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन आर वन आर टू एंड सिमिलर फैशन आर एन डिस्टेंस पे सिचुएटेड है इज दैट क्लियर टू यू क्लास सो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एम वन दैट इज वॉट वी वन बोल दू दिस इज वॉट लीनियर वेलोसिटी ना टिकल वन इज वी वन वी इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा अब यहां पे देखो आप प्यार से देखो सब को रोटेट होने के लिए सेम टाइम लग रहा है सो so, यहां पे कांस्टेंट क्या है ओमेगा इज कांस्टेंट इस साल 2020 के बोर्ड वाले महाराष्ट्र बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है कुछ कुछ बच्चों ने उसमें भी मिस्टेक किया है ऑब्वियसली इज कॉन्स्टेंट एंड ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी सो दिस इज वॉट लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट नो सो वी वन इज इक्वल टू अब ये आर वन है इंटू ओमेगा वन मत लिखना ओमेगा इज कॉन्स्टेंट फॉर सेकेंड पार्टिकल वी टू इज इक्वल टू क्या होगा आर टू इंटू ओमेगा सिमिलर फैशन वॉट वी कैन से वी एन इज इक्वल टू आर एन इन टू ओमेगा सो दिस इज वॉट स्टेप नंबर वन यस और नो कलस अब स्टेप नंबर टू क्या होगा विक्स वी के बाद क्या है के सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल सो मैं ऐसा बोल दू के ई वन इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन का स्क्वेयर सो वॉट वी गेट जस्ट सब्सिट्यूट वी वन का रिजल्ट ओवर ही वन इज आर वन ओमेगा होल का स्क्वायर मतलब आर वन स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज दैट क्लियर टू यू सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हाफ एम टू वी टू का स्क्वेयर सो so, v2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हाफ एम टू आर टू ओमेगा होल का स्क्वायर इज आर टू ओमेगा स्क्वायर दैट्स इट सिमिलरली अप टू एन तक जाएगा सो व्हाट वी गेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल इज डिक्टो डिक्टो सेम मैनर में हाफ एम एन आर एन स्क्वायर इन ओमेगा स्क्वायर यस और नो सो दिस इज वॉट एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल बट वी कैन राइट रिजिड बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ना इट्स अ कंसिस्टिंग ऑफ एन डिफरेंट पार्टिकल्स सो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करना होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रोटेटिंग बॉडी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू डॉट 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 अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंथ पार्टिकल यस और नो क्लस इज दैट क्लियर टू यू सो सब में देखो कॉमन क्या आ रहा है हाफ कॉमन है एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन है देखो हाफ कॉमन है एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन है यस ऑर नो क्लस सो वॉट इज द फाइनल रिजल्ट कायनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू हाफ कॉमन है ओमेगा स्क्वायर कॉमन है एंड देन व्हाट इज रिमेनिंग टर्म्स एम वन ओमेगा ओ एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायर, इज दैट क्लियर टू यू एंड ये हमने टर्म कहां पे तो देखा था वी नो दैट समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी ये फॉर्म्यूला लिखा था बट वो टेक्निक के साथ एनोलॉजी के साथ लिखा था यहां पे हमें प्रूफ अच्छी तरह से समझा है अब हम सेकेंड प्रूफ की तरफ जाते हैं देखो सेकेंड प्रूफ क्या है टॉर्क अब टॉर्क ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए तो पहले हम टॉर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं देखो 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 टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ फोर्स और हमने एनालॉजी में क्या बोला था लीनियर मोशन में जो काम एक्सटर्नल फोर्स करता है दैट इज वॉट कॉज ऑफ लीनियर मोशन इज अवर फोर्स तो वैसे ही कॉज कॉज मतलब क्या कारण तो रोटेशनल मोशन में कॉज कौन है टॉर्क मतलब फोर्स एनॉलॉगस विथ टॉर्क या टॉर्क एनालॉगस विथ फोर्स लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करेगा वही रोटेशनल मोशन में टॉर्क करेगा इज दैट क्लियर टू यू पक्का है देखो 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 मैं एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देता हूँ ये वेइंग आपको दिख रहा है क्या वजन काटा वेइंग मशीन अब ये ना बैलेंस है क्यों? क्योंकि यहां पे दोनों जगह पे सेम मास है दैट इज व्हाट एम और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से, से सेम डिस्टेंस पे आर आर तो देखो हाँ, ये कितना टॉर्क क्रिएट करेगा देखो 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 आर बार बेसिक इसका फॉर्मूला क्या है टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार तो ये देखो आर बार ऐसा है और एफ बार ऐसा है तो आर बार क्रॉस एफ बार मतलब ये उंगलियाँ कैसी रोटेट हो रही है बेटा एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा आर क्रॉस एफ बिकॉज साइन कितना है दोनों के बीच में साइन ना साइन वन यहां पे क्या होगा बार नीचे है ना तो ये कैसा दे रहा है क्लॉकवाइज दे रहा है और इसका भी टॉर्क का वैल्यू कितना है आर इन टू एफ तो जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब क्या है टॉर्क है बैलेंस सो so, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो ही लीनियर मोशन होता है तो वैसे ही यहां पे एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क होगा तो ही इज दैट क्लियर टू यू आर यू रियली गेटिंग मी क्लास इज दैट क्लियर टू यू तो मेरे ख्याल से टॉर्क बैलेंस हो रहा है नेट टॉर्क जीरो मतलब समझ में आ रहा है इज दैट क्लियर टू यू ये कॉन्सेप्ट हमें आगे भी लगने वाली है एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है इज दैट क्लियर टू यू क्लास पक्का समझ में आया देखो यहां पे क्लियर है अब देखो देखो और भी थोड़ा सा टॉर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सीसो इज द बेस्ट एग्जाम्पल बट थोड़ा सा और अलग तरीके से यह पॉइंट है इसके ऊपर फोर्स एफ लग रहा है ओके okay, ना और यहां पे मैं ऑब्जर्वर हूं पॉइंट ओ तो डिस्टेंस जो भी होगा दैट इज वॉट आर बार तो आर बार एंड एफ बार के बीच में एंगल कितना है थीटा इज दैट क्लियर टू यू अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट यहां पर टॉर्क कितना है तो मैं क्या बोलूंगा टॉर्क का बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग इन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स इंटू परपेंडिक्यूलर डिस्टेंस तो यहां पे देखो फोर्स एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं तो दिस इज सो दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है तो ये देखो राइट एंगल ट्रा जिसका हाइपोटेनियस आर लेंथ का है तो ये क्या हो गया थीटा के अपोजिट साइड दैट इज वॉट आर साइन थीटा नो सो इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज वॉट टॉर्क इन दिस केस उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स दैट इज एफ आर साइन थीटा या वेक्टर में लिखना है तो आर बार क्रॉस एफ बार ज दैट क्लियर टू यू अभी देखो ये रेफरेंस अगर मैं यहां पर लेके आता तो आर बार एंड एफ बार के बीच में एंगल कितना होता जीरो तो साइन जीरो जीरो, तो जीरो होता था लीनियर दिखता था ना बेटा रोटेशनल दिखता ही नहीं था इज दैट क्लियर टू यू ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट समझते ही हम टॉर्क के बेसिक डेरीवेशन की तरफ बढ़ते तो हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां पे देखो डायग्राम से में हमने क्या लिया एंगुलर एसिलरेशन को कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है एंगुलर एसिलरेशन कांस्टेंट होता है चेंज क्या होता है लीनियर वेलोसिटी क्यू बिकॉज इंडिविजुअल पार्टिकल का रेडियल डिस्टेंस अलग अलग है एंड वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है तो आर चेंज होगा तो वी चेंज हो रहा है इज दैट क्लियर टू यू क्लास पक्का अब देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने शॉर्टकट क्या बोला था विक्स वी एंड के ऊपर देखा था टॉर्क के लिए क्या है आफ्टर ए एफ टाउ के ऊपर फोकस कर देंगे मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा एसिलरेशन का अब कौन सा एसिलरेशन तो डेफिनेटली ये वाला एसिलरेशन ना ए वन ए टू एंड ये एसिलरेशन क्या है टेंजेंशियल एसिलरेशन है सो दिस इज वॉट ए एन सो फर्स्ट पार्टिकल पहले वही पका देने का कि बाबा रिजिड बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ एन डिफरेंट पार्टिकल्स डिस्क्रीट पार्टिकल्स जिसका मास एम वन एम टू एम एन है और लोकेटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन आर वन आर टू डॉट 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 एन ये सब का दिया तो यहां पे देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टेप नंबर वन फर्स्ट पार्टिकल का क्या होगा आर वन टू का क्या होगा आर टू इंटू अल्फा सिमिलरली ए एन का क्या होगा आर एन इंटू अल्फा स्टेप नंबर टू क्या है फोर्स फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है एम ए एफ वन क्या होगा फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल वन इज एफ वन विच इज नथिंग बट एम वन इंटू ए वन तो क्या हो जाएगा एम वन इंटू आर वन अल्फा एफ टू इज इक्वल टू सिमिलर फैशन में एम टू इन टू आर टू अल्फा इज दैट क्लियर टू यू एंड सिमिलरली एफ एन इज इक्वल टू एम एन इंटू आर एन इन टू अल्फा अब देखो दो स्टेप हो गया अब तीसरी स्टेप क्या है टॉर्क टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन हमने क्या बोल दिया था टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिक्यूलर डिस्टेंस सो so, देखो F1 वन फोर्स ऐसा अरे एफ इज इक्वल टू एम ना तो जो एसिलेशन का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन तो वहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब R1 हो गया सो टाउ वन इज इक्वल टू क्या होगा F1 वन इन टू आर वन दैट इज वॉट एम वन आर वन अल्फा इन टू आर वन इज स्क्वेर सिमिलरली टाउ टू क्या मिल जाएगा एम टू आर टू का स्क्वायर इंटू अल्फा टाउ एन इज इक्वल टू एम एन आर एन स्क्वेयर इंटू अल्फा देखो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था सिमिलर फैशन में हम क्या करेंगे देखो इंडिविजुअल सब कुछ हो गया वाया सर्कुलर मोशन गए ना तो इंडिविजुअल पार्टिकल का हमने टाउ निकाल दिया नाउ वी कैन से टाउ फॉर होल बॉडी इज नथिंग बट समेशन ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क सो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू डॉट 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 टाउ एन कुछ कॉमन आ रहा है क्या अल्फा इज कॉमन सो वी कैन से एम वन आर वन स्क्वायेर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायेर इन अल्फ़ा

विपुल मतलब फर्स्ट स्टेप हमें वेलोसिटी निकालना है इंडिविजुअल पार्टिकल का पी मतलब लीनियर मोमेंटम निकालना है इंडिविजुअल पार्टिकल का एंड एल मतलब एंगुलर मोमेंटम निकालना है इंडिविजुअल पार्टिकल का बाद में हमें क्या करना है सम अप कर देना है दैट्स इट हमारा प्रूफ हो जाएगा क्लास देखो फर्स्ट स्टेप अब यहां पे हमें v निकालना है v इज इक्वल टू आर होता है इसीलिए मैंने कांस्टेंट फिर से क्या ले लिया ओमेगा ले लिया दैट इज़ वॉट एंग्यूलर वेलोसिटी सो फर्स्ट स्टेप इज वॉट वी वन इज इक्वल टू आर ओमेगा मतलब आर वन ओमेगा ये फर्स्ट प्रूफ में हमने कर लिया था तो मैं डिरेक्टली लिख दूँ क्या वी टू इज इक्वल टू आर टू ओमेगा एंड सिमिलर फैशन वी एन इज इक्वल टू आर एन ओमेगा स्टेप नंबर टू क्या है P इज़ इक्वल टू क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी सो मुझे प्यार से बताना क्लास P1 वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 वन इंटू वी वन का वैल्यू क्या है आर वन ओमेगा पी टू इज इक्वल टू एम टू आर टू ओ ओमेगा एंड सिमिलरली पी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एन आर एन टू ओमेगा देखो दो स्टेप मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को समझा अब थर्ड स्टेप क्या है एल एल मतलब एंगुलर मोमेंटम फिर से हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अभी मैंने रूल क्या बताया था फिजिक्स का कहां पे भी मोमेंट ऑफ राजवाडे इज राजवाडे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सिमिलर फैशन में मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दैट क्लियर टू यू अब यहां पे देखो प्यार से देखना ये फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी कहां पे होगा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा ना सो so, ये मेरा हो गया वी वन सिमिलरली ये मेरा हो गया वी टू सिमिलरली ये मेरा हो गया वी एन तो लीनियर मोमेंटम क्या है मास मास वेलोसिटी तो mass तो क्या है स्केलर क्वांटिटी है मतलब लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा तो देखो ये वेलोसिटी वी वन एंड रेफरेंस पॉइंट ओ है तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आर वन ही होगा सो so, मैं ऐसा बोल सकता हूं स्टेप नंबर थ्री के लिए जो मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए एट पार्टिकल वन सो दैट इज वॉट एल वन इज इक्वल टू पी वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी वन क्या है पी वन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर वन सो आफ्टर सब्सटीड्यूटिंग पी वन का वैल्यू ओवर हीयर वॉट वी गेट एम वन आर वन ओमेगा इन टू आर वन इज आर वन स्क्वायेयर सिमिलरली एल टू इज इक्वल टू एम टू आर टू स्क्वायर इन टू ओमेगा एंड लास्ट रिजल्ट इज एल एन इज इक्वल टू एम एन आर एन स्क्वायेयर इन टू ओमेगा देखो 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 पहले दो प्रूफ में जो किया वही अब लास्ट स्टेप इंडिविजुअल पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला अब होल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट समेशन ऑफ इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम सो एल कैपिटल इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू डॉट 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 अप टू एल एन सो क्या फॉर्मूला बन जाएगा कुछ कॉमन आ रहा है इसमें ओमेगा इज कॉमन नो और अंदर क्या बचेगा एम वन आर वन स्क्वेयर एम टू आर टू स्क्वायर डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वेयर हमें पता है ऑलरेडी दो प्रूफ के लिए ये रिजल्ट हमने यूटिलाइज किया है एम आई आर आई स्क्शन ऑफ एम आई आर आई इनर्शिया सो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया दैट्स इट देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में तीनों फॉर्मूले एनालॉजी से लिख लिए थे दिस इज वॉट डेरिवेशन एंड तीन में से एक डेरिवेशन बोर्ड का कोई भी पेपर देख लो एक तो डेरिवेशन आया ही है कंफर्म आया है तो ये कैसे लिखने का है? वो टेक्निक समझा देखो आप कोई कोई बच्चे ना ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि ये टेक्निक की क्या जरूरत है बहुत सिंपल तो है देखो ये एक चैप्टर है क्या सिलेबस में सिमिलरली ट्वेंटी चैप्टर्स तो मिनिमम है ट्वेंटी चैप्टर्स में देखो इंडिविजुअल एक एक चैप्टर में पांच या छह प्रूफ होंगे तो सौ प्रूफ्स है अपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस में मिनिमम सौ प्रूफ है तो आपको सब कुछ समराइज करना है इन वन शॉट तो अपने पास ऐसे कुछ टेक्निक होने चाहिए ना, तो देखो ये सारी चीज़ें आप समझ लो ये टेक्निक्स वगैरह सारी चीज़ें आपके लिए है लास्ट का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास जेई में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट कर देते हैं देखो स्टेटमेंट क्या है एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्जरवेटिव कॉन्जरवेटिव मीन्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट अगर एक हाथ चीज कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? का डेरिवेटिव इज जीरो देखो देखो प्रूफ स्टार्ट होने से पहले हमें क्या प्रूव करना है वो समझ में आ गया अगर मुझे ये स्टेटमेंट दिया है कि बार इज कॉन्जरवेटिव मतलब मेरे बैक ऑफ माइंड में कहां पे तो सेट हो चुका है मुझे DL bar by DT is equal to zero bar दिखाना है देखो 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 हमने base बना दिया एक बार फिर से पढ़ देखो, देखो, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट नहीं है ये कंडीशन भी तो है तो इसे हमें यूटिलाइज करना है देखो देखो फर्स्ट स्टेप हम एल बार इज इक्वल टू वेक्टर में क्या लिखे थे आर बार क्रॉस दिस इज वॉट मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम किस से रिप्रेजेंट होता है पी बार से अब इसका डेरिवेटिव निकलना है सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर क्या होगा टाइम ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो वॉट वी गेट डी एल बार बाई डी टी इज इक्वल टू अब यहां पे यू रूल लगेगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट है अब रूल क्या होता है देखो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं यू इन टू डेरिविटी ऑफ वी प्लस वी इन टू डेरिविटी ऐसा नहीं होता क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार मतलब ये सीक्वेंस हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे इज दैट क्लियर टू यू तो देखो कैसे लिख रहा हूं यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी समझ में आ देखो आर पी आर पी आर पी मैंने सिक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं किया उल्टा नहीं किया पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा आर यू गेटिंग मी क्लास देखो तो यहां पे क्या हो जाएगा बार क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं पता देखो P बार इज इक्वल टू क्या होता है एम इन टू वी बार सो डी पी बार बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा एम तो क्या स्केलर क्वांटिटी वैसा ही रहेगा और डेरिवेटिव किसका निकलेगा विच इज नथिंग बट अरे ये क्या होता है सो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वॉट फोर्स सो दिस इज वॉट एफ बार प्लस डी आर बाई डी टी आर क्या पोजिशन वेक्टर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन को देखो हमें एक क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी पता है ए बार क्रॉस ए बार दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है ओ बार दैट इज वॉट जीरो बार और यहां पे आर बार क्रॉस एफ बार मतलब क्या होगा देखो देखो बार क्रॉस पी बार क्या था लीनियर मोमेंटम मतलब क्या मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम वैसे ही आर बार क्रॉस बार मतलब क्या मोमेंट ऑफ फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है टॉर्क सो यहां पे क्या लिख दू टाउ बार प्लस वी बार क्रॉस वी बार इज ओबार एंड गिवन कंडीशन अब देखो ना क्या है रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो सो दिस इज वॉट जीरो सो मुझे क्या मिल गया नेट आंसर क्या मिल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंग्यूलर मोमेंटम इज जीरो मतलब किसी भी क्वांटिटी का अगर डेरिवेटिव मुझे जीरो मिलता है इसका मीनिंग क्या है? दैट टर्म इज कॉन्स्टेंट बिकॉज कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव जीरो आता है तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट देख लो क्लास कि डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो बार आय मीन्स एल इज कॉन्स्टेंट एंड एल का फॉर्मूला क्या होता है i ओमेगा विच इज कॉन्स्टेंट तो एक फॉर्मूला ऐसा बना दू मैं आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू देखो ये बहुत जगह पे लगेगा सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो डांसर होते हैं ना बैले डांसर सो so, वो बहुत स्पीड से गोल गोल घूमते हैं एंड आपने देखा होगा कि वो अपने हैंड्स के मूवमेंट से अपना स्पीड कंट्रोल कर देते हैं तो बेसिकली हैंड का मूवमेंट मतलब क्या वो आय को कम ज्यादा कर लेंगे देखो फोल्ड कर लिया मतलब क्या होगा आय सबसे कम होगा तभी ओमेगा सबसे ज्यादा होगा एंड आउटस्ट्रेच कर दिया मतलब क्या आय का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा तभी ओमेगा सबसे कम होगा मतलब स्पीड कम करना है तो वो हैंड्स को आउटस्ट्रेच करेंगे स्पीड को बढ़ाना है तो वो फोल्ड कर देंगे इज दैट क्लियर टू यू अब लास्ट वाले लेक्चर में जब अपना थेरोटिकल पार्ट हो जाएगा तब हम न्यूमेरिकल का एक सेपरेट लेक्चर लेंगे वहां पे ये सारी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ सो so होपफुली आपको ये चारों प्रूफ अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं